एक बुल गाड़ी से टक्कर लग गई। एक दिन हमें ट्रीट ऑन स्ट्रीट तो करा था, आरती का कॉल आया था वहां से, तो आरती कह रही थी कि हम गौ साइड में इसको शिफ्ट करा देंगे गौशाला में। तो गौशाला वालों ने शिफ्ट तो करा नहीं दो तीन दिन से वो। तो आज आरती वहां गई तो वो नाली में गिर गया और पूरा नीचे सड़ गया। और गौशाला उसमें गाय तो लेटी पड़ी थी यार, तीन चार दिक्कत ये थी वहां पे एलएसडी की गाय थी, बिना पैर वाली गाय थी, उनको बारिश लग रही थी, वो सारी बार पड़ी हुई थी। वो मैंने उनको पूछा कि डॉक्टर कब आएंगे, कब आते हैं, बोला दो दिन पहले आए थे। तो आरती ने वो उनको ये बोला गौशाला है, कौन चलाता है इसको। तो आरती ने अच्छा ही बोला। तो वहाँ पे बड़ी लड़ाई को एक लेडीज थी, कोई पंजाब नंबर गाड़ी थी, वो बड़ा उठपटांग बोल रही थी, मतलब उठपटांग इन द सेंस बहुत सारे गालियाँ दे रही थी इसको। जब हम उसको यहाँ लाए और एग्ज़ामिन किया, एग्ज़ामिन करने के बाद हमें पता चला कि उसके इंटरनल डैमेज काफ़ी ज़्यादा था। इंटरनल डैमेज की वजह से उसकी डेथ हुई थी। इसको छोड़ गया कोई? ये सर नहीं, गाय के साथ ही छोड़ा था, गाय बीमार थी ना थोड़ी, और हमने उसको रखा था अपने पास ही। हमने सोचा कि गाय बच जाएगी और ये भी ठीक हो जाएगा। तो इलाज आपने कराया सरकारी? किया भी सर, खुद भी किया और करवाया भी, पर नहीं बची नहीं। जिसकी थी मैं उसके पास छोड़ भी आया था इसको। अच्छा, पता है जिसकी है? उसके पता है, पर और बंदा ले ही नहीं रहा। बस यहाँ रहेगा, बस आदत हो जाएगी ना कि दो टाइम खाना मिलता है। जी जी, है ना, कोई मारता नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। जी जी, फिर बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा फिर उसको हम सड़क पे नहीं छोड़ सकते। तब जब ये बड़ा हो जाएगा मतलब घास लग पड़ेगा, खाना पेट भर के, तब आप मेरे को कॉल करना, मैं ले जाऊंगा इसको। बछड़े की माँ की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ पॉइजनिंग। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि मेनली हिमाचल में पाया जाता है। एनिमल्स को कई बार समझ नहीं आता है तो वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, और उस टॉक्सिक प्लांट को खाने के बाद एनिमल का एकदम से लीवर डैमेज हो जाता है, सडनली जॉन्डिस और डेथ। भूख लगी थी इसको, पेट अंदर घुस गया इसका। किला किला ओ मोरे राजा, किला किला ओ मोरे जानी। खत्म करना है बेटा, बस थोड़ा सा बचा है। तो इस बच्चू का नाम हमने विघ्नेश इसलिए रखा है क्योंकि अपनी मम्मी के अलावा किसी और की मम्मी का दूध मजबूरी में पी रहा है। तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि भाई अगर आपकी चाय की आदत आपकी मजबूरी है तो चाय पी लीजिए, बाकी डेयरी के आइटम छोड़ दीजिए, और वीगन नहीं तो कम से कम वीगनिस्ट तो बनिए। ये मेरे सामने 1.5 साल से है, लेकिन आज तक ना फीवर तक के नहीं आए हैं। ऑनेस्टली कभी कोई इतना इन्फेक्शन यहाँ पर होता रहता है, लेकिन इसको आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इसमें एक मील तक की मिसली की होगी, वही एकदम ऑल ऑफ सडन है, बॉडी से तो कुछ भी नहीं होता। अभी सिर्फ पोस्टमार्टम से पॉसिबल है। हाँ, आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी वही स्नेक बाइट के लिए, कहीं स्नेक बाइट तो नहीं है। पता कैसे चलेगा आपको? ब्लड से। ब्लड टेस्ट करेंगे? कलर से लग जाएगा पता, लेकिन अब ब्लड भी रुक गया है ना, काफी निकलना भी मुश्किल है। सर इसका मुंह ऐसे खुला हुआ है, मतलब एकदम। हाँ, मतलब शॉक सा ही हुआ होगा ना। शॉक वाली कंडीशन हो सकती है, कहीं सूजन भी नहीं है। हालांकि आज से तो ये बहुत अच्छी हो गई हुई थी कि आके खुद ट्रीट्स लेगी हाथ में। तुम किसी और बता रहे थे मेरे को कि वो अच्छे से तुमको किसी और कुत्ते को पेट कर रहे हो ना। हाँ, क्योंकि वो खुद और खुद से भी अब तो ऐसा है कि हाँ खुद से मुझे कुछ खिलाओ। पोस्टमार्टम में ये था कि उसके लंग्स में ट्यूमर है, स्नेक बाइट का तो है नहीं क्योंकि ब्लड क्लॉट हो रहा था इसमें। जब हमने ट्यूमर को कट करके देखा ना, ट्यूमर के अंदर वॉर्म्स थे और चेस्ट कैविटी में पूरा ब्लड था। कुछ भी जैसे मिट्टी वगैरह खाते हैं ना, उस वजह से कहीं ना कहीं से ही इनटेक हुआ होगा वॉर्म का। लंग वॉर्म का पता नहीं लगता पहला तो, दूसरा ये सिम्टम्स ऐसे आएंगे कि खांसी वगैरह और कफिंग, ये तो सिर्फ एक्सरे से डायग्नोस होता है। डॉक्टर मांशु, ये उसकी बहन है डॉक्टर मांशु की। अपने ड्रामा को पजल करना जरा। कर तो रही थी मजल तो ड्रामा को। सर मेरे को कर रही है वो, और आज मेरा ब्रश है सॉरी। तो फिर मैं ना तो उसको ड्रा सकती हूँ और ना तो उससे कटवा सकती हूँ अपने को। हाय ड्रामा बेबू,
इतना डरते थोड़ा इतना क्यों कांप रही है? क्यों कांप रही है? नो कांपिंग, आज तो खुशी का मौका है। आजादी मिल रही है तुम्हें यहाँ से? हम घर जा रहे हैं। जाती है घर, जाती है लड़की। हाँ गुड गर्ल, ये गुड गर्ल। तू तो मस्त हील हो गई है, तेरे स्किन इन्फेक्शन ठीक हो गया है, तो कोई जख्म नहीं है, कोई गारिश नहीं, कुछ नहीं है। अब तो घर चले जाना है ना। ये लो चल आज, चल एक सेकेंड। अभी हम चिंगारी की कीमियोथेरेपी कर रहे हैं क्योंकि उसका ट्यूमर रीग्रो कर रहा है। पहले हमने उसकी शाहपुर में सर्जरी कराई थी, ट्यूमर हमने रिमूव कर दिया था, पर फिर भी अभी फिर से रीग्रो हो रहा है। रिपीटेड सर्जरी करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए अभी हम उसको इंजेक्टेबल फॉर्म ऑफ कीमियोथेरेपी दे रहे हैं। जैसे हमने जीवन पर भी ड्रग यूज किया और थोड़ा सा बेटर हुआ है उसका ट्यूमर, तो अभी मैं होप कर रहा हूँ कि यही इफेक्ट हमें चिंगारी में देखने को मिलेगा और जल्दी ही वो रिकवर हो जाएगा। चिंगारी का तो बिचारी का ट्यूमर दिखता है, पर जो हमारे बाकी खच्चर घोड़े सैंक्चुरी में हैं उनका मुझे पक्का नहीं है कि भाई रात को ठीक चलते हो, हमें देख के थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं कि भाई हम ठीक हुए तो रिलीज कर दिए जाएंगे। इंजेक्शन कौन लगाएगा? इस डॉग का एक्सीडेंट हुआ था व्हीकल से और जिसकी वजह से इसके पीछे टांगे नहीं चल रही थी, तो हम इसको यहाँ पे रेस्क्यू करके लाए। हमने एग्जामिनेशन की तो इसमें सेंसेस नहीं प्रेजेंट थी, फिर हमने इसको पालमपुर भेजा एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन के लिए, तो वहाँ पे पता चला कि इसकी स्पाइन में दो जगह पे फ्रैक्चर है। एक्चुअल स्पाइन वर्टिब्रा में फ्रैक्चर नहीं है, पर प्रोसेसेस में फ्रैक्चर है, टेम्परेरी या परमानेंट है, वो सिर्फ रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद पता चलेगा। अभी हम इसको टॉनिक्स और पेन किलर्स पर रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है और जो इसमें चेंज आया है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। इस डॉग को हमने धनोटू से ही रेस्क्यू किया था, इसकी टांग में इंजरी हुई थी और प्लस इसकी आँख में भी इंजरी थी, तो कल हमने इसकी आँख पर इंजरी का ऑपरेशन किया था जिसपे कि हमने जो कॉर्नियल टियर था उसमें प्यूपिल बाहर था, प्यूपिल को अंदर करके कॉर्निया को सूचर मारे, फिर हमने आँख आईलेट्स को भी सूचर कर दिया आपस में ताकि कॉर्निया की हीलिंग में हेल्प मिले और ताकि ये स्क्रैच भी ना करे आई में। उसको हम 4 दिन बाद खोलेंगे। जिसका लेग वाला वुंड था वो भी पूरे अराउंड फैल रहा है, पहले से फ्रंट पे था, बैक पे भी हो रहा है और हीलिंग बहुत ही स्लो है। एक घोड़े का एक्सीडेंट हुआ था ना मंगरोटा से आगे, माँ की तो डेथ हो गई है पर ये बच्चा है वहीं पे ना, तो कल से इसका मालिक आया नहीं लेने, तो वो फोन करे कि आप लोग ले जाओ। निकल से निकले ना, रजोल नहीं पहुँचे थे, फोन लगे हम करने तो कॉलर से बात करते करते उस वक्त ही वो बंदा आ गया था। बात कराओ इसकी, भाई साहब रात से तड़प रही है, आपने देखी नहीं घोड़ी मर भी गई। देखो ये बच्चा सारी रात से गीला हो रहा है, बच्चा क्या करना है, रखना नहीं रखना है? वो कह रहा है कि बकरियाँ कहीं और चली गई और घोड़ा कहीं और आ गया। अच्छा, और वो रोड पे एक्सीडेंट हो गया, इसको पता नहीं लगा, अब ये कहीं ढूंढता 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 इसको अब मिली है। कट लगा था हमारी डी मैग मैंने, और जो उसके टी ऑयल लगा के मैंने इसको किया था, अब पता नहीं कैसे पड़ेगा मेरे लिए। पहले लंपी स्किन डिजीज थी जिसकी ट्रीटमेंट वहाँ के लोकल्स करवा रहे थे, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगवा दी थी। हाँ, जो टेल का वुंड था उस पर भी वो लोग डी मैक्स स्प्रे यूज़ कर रहे थे, लेकिन एक दिन किसी वजह से उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, कोई लोकल का डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, तो फिर हमें कॉल आई और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने बेसिक ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर दी, इमरजेंसी में जो रिक्वायर्ड थी, तो एंटीबायोटिक बोलस वो जो वहाँ के लोकल हैं वो उसे दे रहे हैं, तो ऐसे वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। मोटे हो क्या है? 5 days since she's starting to walk a little bit. Okay. So that's new. So before that she was just not at all. No. Then she can't really walk properly, and then she loses. So I don't know. Maybe you guys do physical therapy. We'll have a try. Yeah. With her. And she stands a lot more. There was 2 problems going on, like one with the nerves and then one with the tic fevers. Yeah, I hope she gets better. I feel like she can. Yeah, I really hope. Okay. All right, thank you. कई बारी सब कुछ सही करने के बावजूद भी रिजल्ट एकदम से सही नहीं आता, तो फिर वही गीता वाली बात याद आती है कि भाई कर्म करते रहो और फल की चिंता ना करो।